तो जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। आज हम आए हैं काठियावाड़ी हॉल में और ये हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं अशोक भाई। ये यूएई में होते हैं, दुबई के अंदर, और वहाँ से आए हुए हैं कराची में। खास ये आज के नोरते के लिए आए हैं और इनकी कोई न्याज है, वो न्याज के लिए आए हैं, प्रसादी करने के लिए। तो आज हमें इन्होंने हमारा कहीं से नंबर, हमारे ब्लॉग देखते थे और हमेशा देखते रहे इन्होंने हमारे ब्लॉग, और किसी से नंबर यहाँ कराची में आके फौरन लिया और हमें याद किया और हमसे मुझसे बात हुई। तो मुझे अपना जब इन्होंने बचपन याद दिलाया कि यार हम साथ पढ़ते थे स्कूल में, तो मैंने कहा यार बिल्कुल, आज हम इनसे मुलाकात की, ये मेरे बचपन के यार दोस्त हैं और हमारे साथ स्कूल में पढ़े हुए। और आज लता जी से पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है यहाँ। बहुत अच्छा, बहुत मोहब्बत वाले लोग। देखते ही मैं तो बाहर से आ रही थी, बेटे ने देखा मुझे, आंटी आप यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर चलो। तो बस बहुत अच्छा लगा, बस आप वीडियो देखना, बहुत प्यार मोहब्बत वाले लोग है। सबसे मैं आपको मिलाऊंगी यहाँ और बस हमारे ऐसे ब्लॉग देख शुरू से लेके एंड तक देखना, ये ब्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री राम। तो वीडियो को आपने लाजमी जो है एंड तक देखनी है, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट, और वीडियो अगर पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा अपने सनातन धर्म में जितने भी हैं उन सबको शेयर कीजिए। तो जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। हमारे बहुत ही प्यारे भाई अशोक भाई, और ये हमारे क्लास फेलो, साथ पढ़ा है मैं सेंट थॉमस स्कूल के अंदर। आज इन्होंने हमें यूट्यूब के माध्यम से पकड़ के हमें याद किया, मेरा बचपन याद आ गया हमें। तो आज इनके बुलावे पे आज हम काठियावाड़ी हॉल में आए हुए हैं और आज यहाँ माता के गर्भे का आज नौवां दिन है और बहुत धूमधाम से यहाँ जश्न मनाया जाएगा, माता के गर्भे राह से निकलेंगे। तो अशोक भाई से पूछते हैं कि ये इन्होंने हमारा सबसे पहले ब्लॉग कौन सा देखा था। मैं सही बताऊं, मैं रवि को बहुत अरसे से जानता हूं। अब मुझे इतने व्लॉग मैंने आपके देखे हैं कि मैं अनलिमिटेड, अपने काउंटिंग नहीं है मेरे पास ना, बट मुझे लास्ट वाला याद है जो भी आने से पहले 4 दिन पहले देखा, जो आप रंचोल में चुनरियों का जो बता रहे थे ना कि आपके माध्यम से जाएंगे तो स्लो बड़ा रेट कम होगा, तो वो है। इसके अलावा मैंने आई थिंक मैक्सिमम मैंने आपके सारे देखे हुए हैं, सबर। और रवि तो मेरा दोस्त है स्कूल सेंट थॉमस से, तो मैंने बड़ा ढूंढ ढांड के, मैं आपका बड़ा फैन हूँ पक्का बताऊँ, मैं आपका बड़ा फैन, पूरी फैमिली। चले मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलता, तो मैं बड़ा कैमरा कॉन्शियस हूँ रवि। चले चले धन्यवाद। हमारी बहन भी बोलेगी, थोड़ा सा थोड़ा बहुत अच्छा लगा, हमारे सब्सक्राइबर मिले और रवि जी के दोस्त भी निकले तो हमें बहुत अच्छा लगा। और दुबई से ये लोग आए हुए हैं तो हमें बुलाया, तो बस हम आए और इनका ब्लॉग बनाएंगे। बहुत अच्छे मोहब्बत वाले लोग हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। हमारे साथ बहन है हमारी लक्ष्मी बहन, तो ये भी कुछ ऐसे आज के प्रोग्राम के इवेंट्स के बारे में थोड़ा सा कहना चाह रही हैं। तो हम हमारी बहन से पूछते हैं, बताइए बहन। हमें आपको देख के बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत मिलने का आपसे शौक था, आप हमें मिल गए और हमें बहुत खुशी हुई आपको देख के। चले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय माता जी। तो ये हमारी बहन है जो हमारे ब्लॉग देखती है और हमें लाइक करते है हमारे वीडियोस को, तो हम इनका तहे दिल से हाथ जोड़ के अभिनंदन भी करेंगे और उनका धन्यवाद भी करेंगे। तो जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक लाजमी आपने देखना है। अभी प्रोग्राम चलेगा, हम आपको दिखाएंगे क्या क्या होता है। हम लोग आए यहाँ पर, बहन ने न्याज रखी है नवरात्रि की, तो खूब एंजॉय करेंगे हम लोग नवरात्रि के अंदर। थैंक यू। अच्छा माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी आज के प्रोग्राम के बारे में। नवरात्रि के भाई हमारे बच्चे के न्याज पे आए है मेरे भैया। आइए, हमारी एक बहन भी मौजूद है। बहन आपने गुजराती, मारवाड़ी जो जबान आती है उसमें बोलना। अच्छा हमारे साथ देखो, और हमारी बहन मौजूद है, यही कुछ बात करेंगी। बोले आप।
हम लोग गुजराती जबान बोली सी रहा बहुत अच्छी लागे से हमने गुजराती में समझा ना हमें नवरात्रि बोले बोली समझा नवरात्रि हमारी बहुत नवरात्रि बहुत अच्छी गई हमारी कल आखिरी दिन है उनका नवरात्रि का शुक्रिया तो ये सब हमारे चाहने वाले हमारे ब्लॉग को देखते हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार है और सब हमारी फैमिलीज हैं हमारे फैमिली मेंबर्स हैं माएँ बहनें बेटियां हैं हमारी सारी सनातन धर्म के कार्य से जुड़े रहते हैं तो जय श्री राम जय बजरंग बली हर हर महादेव हमारे साथ राम जी भाई हमारे साथ मौजूद है आज इसी हॉल में तो राम जी भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं तो राम जी भाई जय श्री राम ये प्रोग्राम हमारा दशहरे का प्रोग्राम है और अभी प्रसादी होती है इसलिए हम लोग सब लोग मिलकर ये प्रसादी करते हैं और जो काफ़ी लोग जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं इस तरह हम जय श्री राम का प्रोग्राम होता है रावण का प्रोग्राम होता है रामापीर का प्रोग्राम होता है दशहरा होती है I'm not afraid of the dark.
अशोक भाई ने मान पत्र हमारा मान सम्मान किया है तो बहुत अच्छा लगा है। लता जी रो भी गई, तो आप रोए क्यों? ऐसी इज्जत सम्मान किसी ने नहीं दिया, आज भाई ने दिया तो बहुत अच्छा लगा। लता से आप लोग आशीर्वाद हुआ Thank you.
जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। जैसा कि आपने देखा कि ये बाहर से आए हुए अशोक भाई, यूएई से आए हुए और एक बेटा कनाडा से आया है। इनका मान सम्मान, इनका परिवार, बहने इनकी आई हुई है और परिवार इनका मान सम्मान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और उन्होंने हमारा भी मान सम्मान किया, एक अजरक से हमारा भी फर्स्ट टाइम, लता जी का भी। तो लता जी तो हमारी जो है घरवाली, हमारी जो शक्ति है वो रो गई, क्योंकि उनको बहुत प्रेम मिला यहाँ से, भाई जैसा प्रेम उन्होंने, भाई ने अपनी बहन को चुंदरी उड़ाई, तो बहुत अच्छा लगा। लता जी आपको कैसा लगा, आपका भाई ने आपको चुंदरी उड़ाई? मेरे भाई ने मुझे मान सम्मान दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कहता आज मेरी पांच बहने, आज मेरी छह बहन, छठी बहन लता बहन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं रोई भी बहुत हूँ, अभी भी मुझसे बात नहीं हो रही कि मुझे इतने अच्छे भाई मिल गए। सब बहनों को ऐसे भाई मिलने चाहिए, जो उसकी बहन इतनी खुश अपने भाई से कि मैं क्या बताऊँ आप लोग को। बस जय श्री राम। तो जैसा आपने देखा, जो इतना प्रेम प्यार लोग देते हैं, तो यही हमारा परिवार, हमें लगता है कि जैसे हमारा परिवार यही है, और हमारे बाकी जो सब्सक्राइबर है वही हमारा परिवार है। तो जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। अशोक भाई हमारे साथ मौजूद है और ये एक रस्म है। अशोक भाई से हम पूछेंगे कि क्या रस्म होने वाली है यहाँ। ये न्याज है जो कि बाल मुहारा की सूरत में हो रहा है। ये प्रेम जी नानजी मांडविया के बेटे कांतिलाल प्रेम जी मांडविया के बेटे का है, तो ये उसी खुशी के अंदर, ये नवरात्रि के माता का खजरू है, इसके अंदर ये प्रोग्राम किया जा रहा है। ये देखे सामने, ये मारे
बहुत आनंद आया।